आज हम बात करने वाले हैं कैनवा के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की और उस फीचर का नाम है कंटेंट प्लानर। कंटेंट प्लानर आपको हेल्प करता है कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पर कैनवा के थ्रू ही कैलेंडरिंग अपनी कर पाएं और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसके थ्रू आप अपने कॉन्टेंट को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल को हम कैसे यूज करेंगे। Hello everyone, I Harmeet welcome you all on WS Cube Tech channel. So I hope you are enjoying this Canva course. अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको Canva की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कम्प्लीटली फ्री ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सो मेक श्योर करें कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो ये हम आ चुके हैं कैनवा पर। कैनवा पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल पर्सनल यहाँ पे लिखा हुआ है, देन उसके बाद में ये टूल्स वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा कंटेंट प्लानर। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एक प्रो प्रो फीचर है, यानी प्रो यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, फ्री टूल ये नहीं है। तो इससे पहले हमने जितने भी टूल्स यूज किए हैं हमारे कैनवा कोर्स में वो सारे फ्री थे, लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि हम थोड़े जो एडवांस टूल हैं वो भी यूज करें। तो जैसा आप देख सकते हो ये कंटेंट प्लानर हमारे पास है जिसके थ्रू हम कैलेंडरिंग कर सकते हैं अपने कंटेंट की, यानी कब हमारा कंटेंट कौन से सोशल मीडिया पर या कौन से प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होना चाहिए ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है। सो यहाँ पर अब सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं किसी भी डेट में आप कोई भी क्रिएटिव ऐड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर इस डेट को मैं सेलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ ये मेरा क्रिएटिव पोस्ट हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से मैं कैप्शन इसका फिक्स कर लूँ कि क्या कैप्शन होना चाहिए इस पोस्ट का जब ये अपलोड हो। और ऑब्वियसली बात है इसका जो टाइटल होगा वो यही वही होगा जो कि इस प्रोजेक्ट का नेम है। तो मेक श्योर करें जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को सेव करें तो प्रॉपर नेम के साथ करें। फिर आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट अ चैनल। अब आप सेलेक्ट द चैनल में आपके पास ये ऑप्शन आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, Pinterest, LinkedIn profile, LinkedIn page, Slack and Tumblr, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी अपना प्लेटफॉर्म जो है चूज कर सकते हैं, बट इससे पहले हमें अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट करना होगा कैनवा से। तो चलिए पहले वो करते हैं। तो अपने सोशल मीडियाज को कनेक्ट करने के लिए कैनवा पर आप जैसे यहाँ से कैलेंडर पर भी जा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल कैनवा का कोई भी पोस्ट लेकर उसे भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और वहां पर कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। जैसे लेट्स से कि ये मेरा एक पोस्ट है, मैंने एक टेम्पलेट ही यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर शेयर ऑन सोशल ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर ये इंस्टाग्राम बिजनेस जो है ये सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक को कनेक्ट करके बता देती हूँ। सेम तरीका होगा, आप अपने फेसबुक को, अपने लिंक्डइन को, अपने पिंटरेस्ट को इसी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट वाया फेसबुक, ठीक है। तो ये जो शेयर ऑन सोशल वाला बटन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक पिंटरेस्ट अटैच करके बता देती हूँ, आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पर यही सेम स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पब्लिश योर डिजाइन स्ट्रेट टू पिंटरेस्ट, डायरेक्टली आप पिंटरेस्ट पर पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट पिंटरेस्ट करना होगा। हाँ, मैं इसको अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पिंटरेस्ट को यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ सो दैट मैं अपने कैलेंडर में इसको यूज कर पाऊँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से मैंने कनेक्ट पिंटरेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर जो मेरे पास ये वाला अकाउंट है मुझे इसका एक्सेस जो है ऑब्वियसली बात है इसको देना होगा, तो मैंने इसको गिव एक्सेस कर देती हूँ मैं एक बार। अगर आपके ऑलरेडी लॉगिन है पिंटरेस्ट आपके इस, जैसे मेरे इस ब्राउजर में ऑलरेडी पिंटरेस्ट लॉगिन है तो ये इजीली यहाँ पर हो गया है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अगर नहीं लॉगिन है तो आपसे ये ईमेल आईडी और उसके थ्रू लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर जैसे कि आपको पिंटरेस्ट का थोड़ा आइडिया होगा कि पिंटरेस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, उन बोर्ड्स के अंदर आप किसी भी पोस्ट को या किसी भी पिन को जो है सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप वो बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ड्रेस डिजाइन, ठीक है। तो ड्रेस डिजाइन वाले बोर्ड में मैं इसको सेव कर दूंगी। अब इसका क्या टाइटल होना चाहिए तो मैं वो टाइटल लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में डेस्टिनेशन वेबसाइट, और जैसे कि आपको पिंटरेस्ट का पता है कि पिंटरेस्ट पर हर पोस्ट के साथ में, हर पिन के साथ में आप एक लिंक अटैच कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हमारा लिंक भी अटैच कर देती हूँ, दैट इज wscubetech.com, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगी पब्लिश नाउ। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलेंडरिंग कर सकते हो। तो पब्लिश नाउ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली हमारे जो पोस्ट हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ में चलिए वापस आ जाते हैं हम हमारे कंटेंट प्लानर पर। तो कंटेंट प्लानर पर आप देखेंगे तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 11th को रक्षाबंधन है,
तो 11th को मैं कोई शेड्यूलिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप फिक्स करके रख सकते हो, अभी जो मैंने आपको बताया उसमें तो आप डायरेक्टली आप पोस्ट कर देंगे अभी इसी टाइम में, लेकिन अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शेड्यूल करके रख सकते हो, जैसे कि 11th को राखी है, ठीक है। तो मैं 11th को ये जो ऐड वाला बटन है इसको क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो भी पोस्ट आपको शेयर करना है उसको आप सेलेक्ट करोगे, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं उनमें से। तो जैसे मैंने ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा पोस्ट है ये मैंने ले लिया है, और इसको मैं क्या करूंगी, पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो सेलेक्ट अ चैनल, सेलेक्ट अ चैनल आपको यहाँ से करना पड़ेगा कि आप पिंटरेस्ट पर करना चाहते हो, फेसबुक पर ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर रखा है वो प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी हमने पिंटरेस्ट किया था, तो यहाँ पर आपको बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ये नाम सेलेक्ट करना है। वैसे ही आप फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, सबको जो है सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो जैसे मैं पिंटरेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ऑलरेडी मेरा पिंटरेस्ट कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट मेरे पास बोर्ड वाला ऑप्शन आएगा। और लेट से कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो जो आपके ऑलरेडी बोर्ड बने हुए हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप एक नया बोर्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिंटरेस्ट पर जाकर ही बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो लेट से कि मैं इसको ये ड्रेस डिजाइन वाले पार्ट में डाल देती हूँ, और टाइटल हम इसका लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हो, ठीक है। उसी के साथ में हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डेस्टिनेशन वेबसाइट यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि अभी हमने देखा। ये करने के बाद में शेड्यूल है ना, शेड्यूल वाले ऑप्शन पर आप जाओगे तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है आपसे टाइम एंड डेट पूछेगा कि कब आप इसको जो है पोस्ट करना चाहते हो। तो जैसे अभी हमने ये लगा दिया है तो इसका टाइम मैं आपको बता देती हूँ इस पोस्ट का। इस पोस्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर टाइम आ रहा है कि 11:04 पर, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज डेट एंड टाइम आ गया, तो यहाँ से मैं टाइम चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि लेट्स से कि मैं इसको 7 PM कर देती हूँ, ठीक है, कि शाम को 7 बजे 11 तारीख को मेरा ये जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव एंड शेड्यूल कर देती हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा पोस्ट पिंटरेस्ट पर आ चुका है। ऐसे ही जब मैं इंस्टाग्राम के लिए कनेक्ट कर सकती हूँ, और एक ही डेट को मैं मल्टीपल अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेड्यूलिंग कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। यहीं पर ही आपने कंटेंट बनाया कैनवा पर ही, और यहीं से ही आप उसको अपलोड कर देंगे या फिर यहीं से ही आप उसको शेड्यूल कर देंगे। तो इजंट इट अमेजिंग फीचर। सो कैनवा का कंटेंट प्लानर आप जरूर यूज कीजिएगा, और मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये फीचर कैसा लगा। और उसी के साथ में अगर आप इस पर्टिकुलर फीचर का कोई फ्री वर्जन अगर जानते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैम इस ये के लिए तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन इसी का ही कोई फ्री वर्जन या फ्री तरीका अवेलेबल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही बनाऊंगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WsCube Tech चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।